देश के हर राज्य द्वारा कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिए गए थे। अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी के साथ कोरोना केसों में भी कमी देखी जा रही है, जिसके बाद रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रेलवे द्वारा बीते कई दिनों से कई ट्रेन रद्द कर दी गई थी, जिसके संचालन पर सहमति बन गई है। कई ट्रेन दोबारा पटरी पर दौड़ती नजर आने वाली है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर को देखकर सारी पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया था, जिसे एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। इन पैसेंजर ट्रेन के चलने का सबसे बड़ा फायदा पूर्वी और मध्य क्षेत्र के यात्रियों को मिलेगा। इन ट्रेनों को 5 जून से दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं इन सभी ट्रेनों के समय और मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर ही संचालित होगी। वहीं जिन 24 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को सहमति मिली है। उसमें दरभंगा हरिनगर डेमू पैसेंजर स्पेशल, दरभंगा झंझारपुर डेमू पैसेंजर स्पेशल, झंझारपुर दरभंगा डेमू पैसेंजर स्पेशल, राजगीर मेमू पैसेंजर स्पेशल, दिलदार नगर ताड़ीघाट पैसेंजर स्पेशल, गया कयूल गया पैसेंजर, वैशाली सोनपुर वैशाली पैसेंजर स्पेशल, सोनपुर कटिहार मेमो पैसेंजर स्पेशल, कटिहार समस्तीपुर मेमो पैसेंजर स्पेशल, सोनपुर छपरा मऊ पैसेंजर। इससे पहले भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया था और कई ट्रेनों के समय में बदलाव भी किए हैं। उत्तर रेलवे ने जयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव किया है, जबकि पूर्वी रेलवे और उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी है। दरअसल रेलवे ने जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया है। यह बदलाव 1 जून से लागू हो चुका है। वहीं हावड़ा नई जलपाईगुड़ी शताब्दी ट्रेन को भी रद्द कर दिया जा चुका है। इसके अलावा अलीपुरद्वार जंक्शन दिल्ली जंक्शन अलीपुरद्वार जंक्शन स्पेशल एक्सप्रेस को भी 1 जून से रद्द कर दिया गया है। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।